हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हमें एक वीज़ा अप्रूव हुआ है फ्रांस से। वो कैसे हुआ वीज़ा अप्रूव, हम इस वीडियो में उस वीज़े के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। सो उसके बीच में पहले मैं सबसे पहले एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे साथ रिसेंटली हुआ, किसको आप स्कैम भी बोल सकते हो कि आप सभी के साथ स्कैम भी हो सकता है, एंड कैसे आपको एजेंट गाइड करते हैं उसके रिगार्डिंग में इस वीडियो में के बीच में ही बात अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आप ध्यान से इस चीज़ को माइंड में डाल लेना कभी भी किसी एजेंट के पास विजिट करना है तो। सो फ्रेंड्स, मैंने एजेंट से वैसे ही एक कस्टमर बन के कॉल की थी कि हाँ सर, मुझे शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है, उसके लिए आप मुझसे क्या कॉस्ट लोगे। ऐसे वो बोल रहे थे कि आपके पास कवर लेटर भी नहीं है, हम आपको शॉर्ट शॉर्ट वीज़ा दे देंगे। सो मैं कहा ओके सर, थैंक यू शॉर्ट शॉर्ट वीज़ा के लिए। मैं कहा सर कितने पैसे उसके। बोल रहे कि शॉर्ट शॉर्ट वीज़ा आपको मिल जाएगा। मैं पूछा सर कितने पैसे आपने उसके लेने मेरे से। बोल रहे कि आपसे हम पैसे आफ्टर वीज़ा चार्ज करेंगे, पहले आपको देना पड़ेगा 50,000 रुपीज़ पहले देने पड़ेंगे, एंड आफ्टर वीज़ा पेमेंट आपको 7,00,000 रुपए आपको आफ्टर देने पड़ेंगे। मांगा ठीक है सर। मैं कहा सर मैं शॉर्ट शॉर्ट वीज़ा के आपको पैसे भी दे दूँगा, 7,50,000 रुपए भी आपको दे दूँगा, बट आप मुझे एक ऑफिशियल वेबसाइट उत्ते जाके दिखा सकते हो कि हाँ शॉर्ट शॉर्ट वीज़ा है, उसकी अपॉइंटमेंट है, उसकी कैटेगरी कौन सी है, कौन सी टाइप में आता है शॉर्ट शॉर्ट वीज़ा, टाइप सी में आता है, डी में आता है, कौन सी कैटेगरी में आता। आप मुझे इस चीज़ का आंसर दे दो, मैं आपको पैसे दे दूँगा। सो वो बोल रहे ऐसे नहीं होता, हमारी वैसी में सेटिंग है। सो भाई, आप भी इस बात का ध्यान रखना कि किसी एजेंट की वैसी में सेटिंग नहीं होती, आपको स्कैम करते एंड आपको मूर्ख बना के आपसे पैसे ले जाते। सो आप इस स्कैम से बचना। सो जो भी गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी है, जो भी कितनी हम फीस चार्ज कर सकते हैं, हम मैक्सिमम फीस चार्ज कर सकते हैं 25,000 रुपीज़ ओनली। इससे ज़्यादा कोई एजेंट आपसे फीस नहीं चार्ज कर सकता। सो उसने मुझे बोला था कि ये अगर आपने सिंपल फाइलिंग करानी है तो उसके फॉर्म भरने हैं हमने, उसके लिए आपसे लेंगे हम 1,00,000 रुपए लेंगे। मैं कहा ठीक है। मैं कहा सर 6 फॉर्म है, आप उसको भरने के लिए 1,00,000 रुपए ले रही हो तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। सो भाई लोग, जो मेरा एक्सपीरियंस मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर किया है, आप भी इस चीज़ से बचना। सो एजेंट बहुत स्कैम कर रहे हैं, आप उनसे बचना। खास आप उनको कोई पैसा पहले मत देना। आफ्टर वीज़ा बोल रहे हैं आपको 7-8 लाख रुपए का कोई वीज़ा नहीं होता भाई, नॉर्मल वैसी फ़ीस होती है, वही वीज़ा के फीस पैसे होते जो आपको वीज़ा प्रूव होता है। सो अब मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जो हमारा फ्रांस से वीज़ा अप्रूव हुआ, कैसे हुआ, कितने टाइम में हुआ। सो भाई, इसके लिए हमने कैसे उसका कवर लेटर मेंशन किया। जो फर्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है कवर लेटर होता, आईटीआर होती है, डे वाइज प्लान होता, ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, अपनी रजिस्ट्रेशन होती है, आपकी बैंक बैलेंस होता है, जो अदर आपके पास एफडी है, कुछ म्यूचुअल फंड है, या एंड आपके पास एलआईसी इंश्योरेंस है, प्लस पॉइंट होएगा आपके लिए। सो नहीं है, आप कवर लेटर में भी लिख के दे सकते हैं हमारे पास क्यों नहीं है, उसका रीज़न दे सकते हो आप, ऐसा कोई नहीं होता। करंट अकाउंट है आपके पास, ठीक है, किन के पास नहीं करंट अकाउंट आप लिख के दे सकते हैं हमारे पास करंट अकाउंट क्यों नहीं है। सो अब मैं बताता हूँ उनका। हमने कवर लेटर में मेंशन किया था कि हम अराइवल करेंगे फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में हम रहेंगे 10 डे फ्रांस में रहेंगे, उसके बाद 3 डे हम स्विट्ज़रलैंड में रहेंगे, ठीक है, एंट्री फ्रांस से लिए, ठीक है, अराइवल फ्रांस से करेंगे, एग्जिट स्विट्ज़रलैंड से करेंगे, एंड अदर कोई कंट्री के लिए जाना है आप बीच में मेंशन कर सकते हो कि हमने कैसे यूके जाना, यूएस जाना, कनाडा जाना, रशिया जाना, कोई भी अदर कंट्री में जाना है, आप उस फॉर्म में मेंशन कर सकते हो, बट हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने रिटर्न इंडिया के लिए दिखाया था। सो हमारी आइटनरी टिकट होती है, जो हमने आइटनरी टिकट के अकॉर्डिंग उनको बताया था कि हाँ हम इस डेट में जाएंगे, इस डेट में वहाँ पर घूमेंगे, ऐसे ही हम जाएंगे। सो एक उनको प्लान देना पड़ा, उसके अकॉर्डिंग हमारे वीजे के लिए जो हमें डे लगे वो 10 डे के बीच में हमें पासपोर्ट रिसीव हुआ, पासपोर्ट रिसीव होने के बाद वीज़ा अप्रूव हुआ। जो वीज़ा की एंट्री हो 28 डे की एंट्री है, हम ले सकते वहाँ पर रह सकते और रिटर्न आ सकते। हमने सिर्फ उनका प्लान दिखाया था 30 डे का, 13 दिन का प्लान हमने दिखाया था, 13-14 दिन का आप दिखा सकते हो, उससे ज़्यादा दिखाने की आपको लोड भी नहीं पड़ेगी। सो आपको वीज़ा अप्रूव होने के कैसे चांस, कैसे आप प्रोफाइल अपनी मेंटेन कर सकते हो, सो मुझसे आप हेल्प लेना चाहते हो, आप मुझसे भी पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पर,
भाई आप मुझे कमेंट करते हो यूट्यूब पर कि हाँ भाई हमारा रिप्लाई करो। सो भाई आई रिक्वेस्ट फॉर यू, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम पर आपको सही गाइड कर सकता हूँ, यूट्यूब के कमेंट पर आपको सही गाइड नहीं कर सकता हूँ। सो आप मुझे कमेंट करके ये बात बोल सकते हो, लाइक कर दिया करो वीडियो को, अच्छा लगता है। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और अच्छी अच्छी बनाने वाली है, कैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन होएगा, ऑस्ट्रेलिया के हम वीज़े डालेंगे, देखेंगे उसका टूरिस्ट वीज़ा के क्या सक्सेस रेट आ रहा। अभी तो खैर कोई न्यूज़ नहीं हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के लिए, अभी तो मार्केट में काफ़ी हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, विजिटर ओपन हो गया, स्टडी ओपन हो गए, एंड टूरिस्ट वीज़ा किस दिन ओपन होएगा, कैसे हमें सक्सेस रेट मिलेगा, हम आपके साथ वो भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, एंड कनाडा का भी हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और यंग एज में कैसे भाई लोग बोलते हैं कि हमें वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया कनाडा ने, ऐसे हमें कम एज में नहीं मिलेगा, भाई ऐसा कुछ नहीं होता, किसी की एंट्री का नहीं है, आप 18 प्लस होने चाहिए, अकेले सोलो ट्रैवलर के लिए आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपको जो ट्रिक होती है, जो आपको देने होते डॉक्यूमेंट, वो आपको देने होते कवर लेटर में, आपके पास कुछ नहीं है, आप कवर लेटर में मेंशन कर सकते हो कि क्यों नहीं, उसका रीज़न दे दो, उनको रीज़न होना चाहिए आपको वीज़ा ग्रांट हो सकता है। सो हमारा भी फ्रांस में ऐसा ही हुआ, हमारे भाई के पास एक साल की ITR है, उसका वीज़ा भी ग्रांट हो गया, हमें तो उम्मीद नहीं है कि उसका वीज़ा मिलेगा, बट सो फिर भी उसको वीज़ा ग्रांट कर दिया, अप्रूव कर दिया। सो भाई हमारा कब भी ट्रैवल करेगा आपके साथ, हम वीडियो इस चैनल में शेयर कर देंगे कि भाई के साथ कैसी इमिग्रेशन रिपोर्ट पर हुई। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर कर देना, थैंक यू सो मच।